प्रीति की होने वाली है फिर से दूसरी शादी, बैंड बाजा दूल्हा के साथ, दान दहेज के साथ फिर से प्रीति दुल्हन की गेटअप में तैयार होने वाली है, सजने वाली है, सवरने वाली है। और कौन है दूल्हा इस वीडियो में आप लोगों का उनका नाम बताऊंगी। और प्रीति सिंदूर पहले क्यों नहीं लगा रही थी, अभी भी सिंदूर क्यों नहीं लगा रही है, इसका भी राज मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रीति की मम्मी इस शादी को नहीं मान रही है, इस शादी से खुश नहीं है, इस शादी को इनकार कर रही है। इसीलिए वो चाह रही है जो हम अपने गांव में नाते रिश्तेदार सौर समाज के साथ हम फिर से बैंड बाजा दूल्हा के साथ में फिर से शादी होगी। तो आइए इसका हम सच्चाई राज बताते हैं। और सूरज भैया इस वक्त प्रीति दीदी के पास पहुंच गए हैं। सूरज भैया काफ़ी डरे हुए हैं और होपलेस हैं। इस वक्त प्रीति दीदी की मम्मी उनके घर पे नहीं है, आने के बाद वो भी क्या होता है वो भी देखने को मिलेगा। और आइए आप लोगों को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी शमलाक्षी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशी दे पाएंगे। और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए, भूले भटके आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, यानी मतलब वीडियो को बिल्कुल भगाइए नहीं, तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो मैं आप लोगों से कौन सी बात शेयर करने वाली हूँ। और कौन है दूल्हा और प्रीति दीदी सिंदूर क्यों नहीं लगा रही थी, लगा रही है वो भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बीच में से वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे तो अगर मेरे हेटर होंगे तो वो मुझे उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। और जो प्रीति दीदी के फैन, यूट्यूब फैमिली फैन फॉलोवर होंगे वो बिल्कुल ये बात सुन के उनके मन हो जाएगा बिल्कुल खुश। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले एक नंबर की बात, प्रीति दीदी सिंदूर क्यों नहीं लगा रही थी। खूब सारे लोग कमेंट किए थे, जो गंदे गंदे कमेंट किए थे, जो फलाने ढिकाने, और कोई लोग वीडियो भी बनाए थे, हम भी वीडियो बनाए थे सिंदूर के ऊपर। लेकिन प्रीति दीदी एक शॉर्ट वीडियो डाली है जो उस वीडियो में दिखा रही है सिंदूर के लिए, जी यहाँ पे सिंदूर नहीं लगा रहता है, यहाँ पर सिंदूर लगा के रखती है। लेकिन फिर भी दीदी मैं ये आपसे बोलना चाहूँगी, जो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पर हैं और इतने बड़े यूट्यूबर हैं, तो पब्लिक को और जो आपका हेटर है उनको मौका मत दीजिए आपके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, और उन लोगों को अपना चैनल चलाने के लिए, व्यू चलाने के लिए, कमाने के लिए, जानते ही हैं क्या क्या लोग ट्रिक करते हैं, आप झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो आप छुपा के क्यों सिंदूर लगा रहे हैं? यहाँ से सिंदूर लगाइए, किसी को बोलने की मौका मत दीजिए, अपने ऊपर उंगली उठाने की मौका मत दीजिए। तो आइए दोस्तों मेन मैटर मुद्दा की बात करते हैं। प्रीति दीदी की होगी फिर से शादी बैंड बाजा दूल्हा बारात के साथ में। फिर से प्रीति दीदी दुल्हन की गेटअप में तैयार होने वाली है, सजने वाली है, सवरने वाली है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। और दूल्हा कौन है आप लोगों को बताएंगे, जरा दिल थाम के बैठिए जनाब। और पहले आप सुन लीजिए, जो प्रीति दीदी की मम्मी इस शादी से खुश नहीं है, इनकार कर रही है और उनको पसंद नहीं है, और शर्त रख रही है प्रीति दीदी के पास, और प्रीति दीदी को वो शर्त मंजूर नहीं है। इसलिए मंजूर नहीं है, प्रीति दीदी की मम्मी बोल रही है जो हम शादी करेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, 5 साल 6 साल 7 साल फिर हम दान दहेज देंगे, और उसी सेटअप में मतलब सिस्टम में शादी करेंगे जिस तरह से अपनी बेटी को लोग शादी करते हैं। और ये बात तो मुझे आंटी जी को बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि माँ बाप जो होती है अपने बच्चे के लिए किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, सबकी ख्वाहिश रहते हैं, सबकी सपने रहते हैं, वो भी एकलौती जिनको बेटी हो। और दूसरी बात, प्रीति दीदी की मम्मी को इस चीज़ के लिए गुस्सा है, इनको क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे से इनसे बात कर रहे हैं प्रीति दीदी से। जब सूरज भैया के साथ शादी करने के लिए सब मान गए थे, एक्सेप्ट थे, और सब साथ मिल के वीडियो बना रहे थे, तो अपनी मर्जी से तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत थी, ये प्रीति दीदी की मम्मी की का मतलब कहना है, जुआनी है। जब हम मान गए थे जो हम सूरज के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे, तो तुम अपनी मर्जी से शादी क्यों करी, इसी के लिए वो गुस्सा है। और दोस्तों जानते ही हैं जो जिस तरह के इनके घर में ऐसी शादी होती जिनकी बेटी करती है, अगल बगल लोग नाते रिश्तेदार जानते ही हैं, अच्छे बात बोलने के लिए, कोई शाबाशी देने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन आप छोटी सी गलती या बड़ी सी गलती कर लीजिए तो देखिए उस पर उंगली उठाने के लिए या ताना मारने के लिए सबकी मुँह खुल जाती है, क्योंकि मुँह का ना हर चीज़ का ढक्कन होता है, मुँह का ढक्कन नहीं होता है। और दोस्तों दूल्हा कौन है आप लोग बेसब्री से इंतजार करते होंगे, थोड़ी सी वैसी लगता होगा जो हाँ। तो दोस्तों दूल्हा है कौन कौन कौन, सूरज भैया, यानी मतलब सूरज भैया के साथ ही फिर से प्रीति दीदी की शादी होने वाली है।
और उनकी मम्मी एक्सेप्ट कर ली है जो दान दहेज के साथ में जितना ही हमें होगा, जितनी ही हमारी औकात है उसी के हिसाब से हम शादी करेंगे। और तुम लोग प्रीति तुम यहाँ पे रहो, और उसके बाद में जैसे तुम लोग रहते थे वैसे तुम लोग रहो, वीडियो बनाओ, लेकिन तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। तो प्रीति दीदी इस शर्त से मंजूर नहीं है, इसलिए मंजूर नहीं है जो प्रीति दीदी की मम्मी बोल रही है, जो अगर हम तुम्हें जाने देंगे क्या पता फिर से तुम दोबारा भाग जाओगी, क्योंकि एक बार विश्वासघात कर गए ना दोस्तों, तो ये होता है जो विश्वास को जीतना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए मैं तो यही कहूँगी प्रीति दीदी जो आपकी मम्मी बोल रही है वो आप मान लीजिए, क्योंकि माँ बाप जानते ही हैं किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, और सबको दुख होता है, आप कष्ट में रहते हैं तो हर एक माँ बाप को दर्शाते नहीं है, दिखाते नहीं है, भले ही गुस्सा रहता है लेकिन दुख रहता है, ये मानने वाली बात सब है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुन के, और सुबह ही मैं वीडियो बनाने वाली थी, दीदी डाली थी तो, पर मैं टाइम नहीं मुझे मिला इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। और सूरज भैया प्रीति दीदी के घर पहुंच चुके हैं, उनको हो रही है घबराहट, क्योंकि प्रीति दीदी की मम्मी इस वक्त घर पर नहीं है और सूरज भैया पहले से आके बैठे हैं। अब उन लोगों मतलब प्रीति दीदी की मम्मी आएंगी और सूरज भैया और प्रीति दीदी की मम्मी में क्या होगा, क्योंकि जानते ही है प्रीति दीदी की मम्मी कितनी गाली ठोकती है, जो भी जाती है उनको भी सबको गाली। अब खैर तो किसी भी तरह शांत हो गई। हाँ बस आंटी से मुझे उस पहले बार जो प्रीति दीदी आई थी वापस चली गई थी थोड़ी तकलीफ थी, जो माँ को इस तरह से नहीं ठोकराना चाहिए, क्योंकि बच्चे जांग पे अगर लैटरिन कर देते पोटी कर लेते हैं तो जांग को काट के नहीं फेंका जाता है, और बच्चे से ही गलतियाँ होती है, और हालांकि मतलब सबसे ऐसी गलतियाँ होती है लेकिन पर एक गलतियों को माफ़ कर देते हैं सब। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, किसी भी तरह मान गए, और भगवान से दुआ करते हैं जो इन लोगों की जोड़ी सलामत रहे, और बहुत अच्छी है, बेस्ट जोड़ी है इन लोगों की, डांस आते हैं इनके अंदर, कला है। फिर आप किसी को मौका मत दीजिए दीदी, जो ये भगोड़ी है, ये भागती है, ये करती है व्यूज के लिए, ड्रामा करने के लिए, जानते ही हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग अपना वीडियो चलाने के लिए क्या क्या बात बोलते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं व्यूज कमाने के लिए, चैनल चलाने के लिए, गाली गलौज चल रहा है इस वक्त, देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, और मेरी मुंह से जो कोई भी ऐसे शब्द निकल गए हैं तो उनके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा सी यू।